तो दोस्तों एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों यार आज जो ये वीडियो है ना, ये जो आज का वीडियो है ये एक रिपीटेड टॉपिक के ऊपर है। यानी कि ये जो आज का वीडियो का टॉपिक है ना, इस टॉपिक के ऊपर, इसी सेम टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी दो बार जो है इस टॉपिक पर वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो यार वीडियो क्या है, बेसिकली मैंने दो वीडियोज़ बना चुका हूँ पहले, 9 वोल्ट बैटरी की मदद से मोबाइल फ़ोन को कैसे चार्ज किया जाए। सो बेसिकली होता क्या है, उसमें एक आईसी का यूज़ किया जाता है, 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ठीक है। उसकी मदद से मैंने चार्जर बनाए थे दो। तो अगर आपको वो वीडियोस नहीं देखी अभी तक आपने, तो आपको यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो प्लीज़ यार उन दो वीडियोस को, जो वो दो वीडियोस है ना, उन वीडियोस को प्लीज़ यार आप जाकर देख लो, ठीक है। फिर आज की वीडियो जो है उसमें भी क्या है, जैसे मैंने वो दो वीडियोस में क्या था, एक मैंने मोबाइल फ़ोन चार्जर बनाया था जो कि सीधा ही आपके मोबाइल फ़ोन के जो चार्जिंग पोर्ट होता है, जैसे चार्जिंग पोर्ट होता है उसके अंदर सीधा ही लग जाता है, या फिर यूएसबी पोर्ट में लग जाता है चार्जर, और आपके 9 वोल्ट बैटरी से जो है पावर लेगा, ठीक है। एक डिज़ाइन मैंने और बनाया था उसका, वो क्या था, उसमें एक मैंने यूएसबी पोर्ट लगा दिया था कुछ इस तरीके का, और एक 7805 की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, ठीक है। वो पावर बैंक था, उसमें क्या था, हम 9 वोल्ट की बैटरी को जब चाहे रिमूव कर सकते हैं। पावर बैंक बनाया था एक तरीके का, उसमें आप यूएसबी केबल की मदद से जो है अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते थे, ठीक है। एक वो बनाया था। तो आज का क्या है, आज मैं क्या बनाऊंगा, आज बनाएंगे एक चार्जिंग मॉड्यूल, यानी कि 5 वोल्ट चार्जिंग मॉड्यूल जो कि काम करेगा इस 7805 की वोल्टेज रेगुलेटर आईसी की मदद से, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 5 वोल्ट टू 24 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, देखो यार जो आईसी है ना 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है ना, जो ये 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच बीच में काम करती है। यानी कि देखो हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स को चार्ज करने के लिए, मोबाइल फोन जो होते हैं ना, आप सबके पास मोबाइल फोन होगा, उसको चार्ज करने के लिए जो है वोल्टेज चाहिए होता है ना, वो 5 वोल्ट ही होता है। अब 9 वोल्ट बैटरी से चार्ज करेंगे तो आप समझ सकते हो क्या होगा मोबाइल फ़ोन का। तो उसको, उस 9 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। अब इसकी भी एक कंडीशन है कि जो आईसी है ना, इसको आप 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक दे सकते हो, फिर जाकर जो है घुमा फिरा के जो आईसी है वो आपको यूएसबी पोर्ट, जो यूएसबी पोर्ट हमने यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, वो आपको 5 वोल्ट आउटपुट देगा, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इसकी मैंने वायरिंग की है, एक सर्किट आपको मैं दिखा रहा हूँ, वायरिंग जो है डायग्राम है, आप इसको अच्छे से आप जो है इसको देख सकते हो, समझ सकते हो आपकी मैंने कैसे बनाया, आपको वायरिंग करके मैं आपको दिखाया। इसकी मैंने सोल्डरिंग ऑलरेडी कर दी थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो आईसी की फर्स्ट लेग है, आईसी की फर्स्ट लेग है दोस्तों, आप ध्यान से सुना को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आईसी का जो फर्स्ट लेग है ना, ये होगा हमारा इनपुट, जहाँ पर आप 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इसको सप्लाई दे सकते हो, डीसी कोई भी सप्लाई दे सकते हो, बैटरी की मदद से, कोई पावर सप्लाई, कोई अडैप्टर, किसी भी मदद से आप इसको सप्लाई दे सकते हो। बदले में ये आपको 5 वोल्ट ही देगा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए, ठीक है। अब कॉमन वाली वायर है, जो यानी कि जो बीच वाली जो लेग है ना आईसी की, वो होती है कॉमन के लिए, यानी कि वो होती तो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव होती है, जैसे वो पॉजिटिव थी फर्स्ट लेग इनपुट के लिए, जो बीच वाली है ना वो नेगेटिव होती है, लेकिन नेगेटिव कॉमन होती है, यानी कि इनपुट के लिए भी बीच वाली और आउटपुट के लिए भी बीच वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको दो वायर्स लगानी होती है, ठीक है, एक वायर होगी इनपुट के लिए और एक होगी आउटपुट के लिए, ठीक है, और होगी दोनों नेगेटिव के लिए। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने यूएसबी पोर्ट के ऊपर मार्किंग लगाई हुई है प्लस माइनस की, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आईसी की जो थर्ड लेग है वो पॉजिटिव यूएसबी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगी हुई है, ये रहा यूएसबी का पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके साथ में लगा हुआ है आईसी का थर्ड लेग। ये देखो ये जो वायर जा रहा है ये है आईसी का थर्ड लेग, आप देख सकते हो दोस्तों, ये आईसी का थर्ड लेग है, मतलब कुछ इस तरीके का इसका सर्किट आपको बनाना होता है। और जो बीच वाली लेग थी मैंने उसको आपको बता ही दिया कि वो यूएसबी पोर्ट पर नेगेटिव पे लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। प्लीज़ यार दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बनाना चाहते हो ऐसा कोई भी मोबाइल फोन चार्जर या आईसी की मदद से, तो प्लीज़ यार आप इस डायग्राम को फॉलो जरूर करना। अब थोड़ी और बात कर रहे थे यार, अगर इस टॉपिक को थोड़ा छेड़ा ही है, मतलब ये 7805 आईसी के ऊपर थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट काम कैसे करता है। देखो यार ये क्या है, 7805 क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। ये जो 78 है ना, 78 के बाद, यानी कि 05 लिखा हुआ है यहाँ पर, 05 का मतलब क्या है, 05 का मतलब होता है वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट इनपुट देना है पॉजिटिव, जो फर्स्ट लेग है उस पर 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट इनपुट देना है पॉजिटिव, बीच वाला कॉमन है जैसे मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव, और जो आउटपुट है आउटपुट वो 5 वोल्ट ही देगा, ठीक है। 5 से 24 वोल्ट दो, बदले में 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। अब ये आईसी का क्या है, देखो मैं आपको थोड़ी और नॉलेज के लिए आपको बताता हूँ, जो 7805 का मतलब क्या हुआ, ये जो 05 है ना, 05 का मतलब है 5 वोल्ट, ठीक है। मान लो, जस्ट मानकर चलो कि 7805 की जगह 7809 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 7805 की जगह 7809 लिखा, उसका मतलब होता है कि जो आईसी है वो 9 वोल्ट की, यानी कि आप जो है उसको 9 वोल्ट से लेकर, जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट है ना, आप उसको 9 वोल्ट से लेकर, यानी कि 9 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक दे सकते हो, ठीक है।
बदले में जो आउटपुट है पॉजिटिव का जो थर्ड लेग है वो आपको बदले में 9 वोल्ट देगी। सेम ऐसी 7812 यानी कि 12 वोल्ट की होती है, उसको आप 12 से लेकर 24 वोल्ट के बीच बीच में इनपुट दे सकते हो, बदले में आपको 12 वोल्ट ही मिलेगा। तो ये आईसी का काम करने का तरीका होता है, ठीक है। हम यहाँ पर 5 वोल्ट की आईसी या फिर आप कह सकते हो 7805 वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी जो भी मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब यार ये जो यूएसबी पोर्ट है ये देता है आपको आउटपुट 5 वोल्ट, ठीक है। अब इसी यूएसबी पोर्ट से क्या है, हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यार इस चीज़ को टेस्ट किया जाए कि क्या सच में 5 वोल्ट ही मिलता है। यूएसबी पोर्ट मैंने लिखा ना 5 वोल्ट, यूएसबी पोर्ट से हमें 5 वोल्ट मिलेगा मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के लिए, तो क्या ये बात सच है? इस बात का हम टेस्ट करेंगे। मैं यूज़ में लूँगा इसके लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। आप देख सकते हो दोस्तों एकदम न्यू, आप लोगों के लिए मैं एकदम न्यू बैटरी को यूज़ करूँगा। देखो कितनी न्यू बैटरी है, मतलब एकदम न्यू कंडीशन में बैटरी है। इसके ऊपर रैपर लगा हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इसको इनपुट मैंने आपको बताया ना इनपुट, इसको हम 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट, अब 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट, देखो 9 वोल्ट क्या है, 5 से लेकर 24 के बीच में ही है ना, यानी कि 5 to 24 वोल्ट के बीच में आता है 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्टेज में जो हम इसको इनपुट देंगे वो 9 वोल्ट की बैटरी से देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कनेक्टर लगा दिया बैटरी के ऊपर, ठीक है। अब मैं आपको बैटरी की जो वोल्टेज है, पहले हम बैटरी की वोल्टेज देखते हैं मल्टीमीटर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर की मदद से आपको वोल्टेज दिखा देता हूँ बैटरी की कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस कनेक्शन कर दिए जो मल्टीमीटर के साथ था, मैं आपको पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, ये देखो 9.74 जो है वोल्ट हमारी बैटरी के अंदर है, और जो कि 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच बीच में, यानी कि अगर हम इसको आईसी पे लगाएंगे तो हमारा जो आईसी है, जो हमारा सर्किट है, वो काम करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे कि जो आउटपुट है क्या वो 5 वोल्ट मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमें कनेक्शन करने होंगे आईसी की फर्स्ट लेग पे पॉजिटिव और आईसी की बीच लेग पे नेगेटिव। बस बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है इसका, आपको डायग्राम में देख के समझ ही गए होंगे कैसे करना है। अब इसकी यहाँ पर मैं एक यूएसबी जैक ले रहा हूँ, ठीक है। यूएसबी कनेक्टर होता है ये कुछ इस तरीके का, यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें, हाँ अब मैं इसमें वोल्टेज मेजरमेंट लेता हूँ कि इसकी आउटपुट वोल्टेज, देखो वहाँ पर बैटरी लगी कितने वोल्ट की, 9 वोल्ट की, आउटपुट कितने वोल्ट का मिल रहा है, 4.92। देखो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी आया था 4.92, ये देखो 4.92 वोल्ट हमें दे रहे हैं। मतलब यार समझने की कोशिश करो, सर्किट है, सर्किट को हमने इनपुट दिए 9 वोल्ट की बैटरी, 9.74 वोल्ट, लेकिन बदले में हमें कितना मिला, आउटपुट कितना मिला, 4.93 है ना। तो मतलब ये जो आईसी का काम ही होता है, और ये जो वोल्टेज है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ 5 वोल्ट पूरे नहीं है, लेकिन ये जो वोल्टेज है यही हमारे मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज करने के लिए काफ़ी है। तो चलो यार अब बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई, यहाँ पर कुछ दो स्क्रूज़ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके के दो स्क्रूज़ जो कि हमारा जो इनपुट टर्मिनल होगा, इनपुट के लिए काम करेगा, ठीक है। हम वो बनाएंगे ना चार्जिंग मॉड्यूल, आपको मैंने पहले बताया वीडियो में कि हम एक चार्जिंग मॉड्यूल बनाने वाले हैं, 5 वोल्ट यूएसबी चार्जिंग मॉड्यूल आप इसे कह सकते हो, ठीक है, वो हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ स्क्रूज़ का यूज़ करेंगे, इन जो टर्मिनल्स के ऊपर वायर हैं, जो ये आईसी का फर्स्ट लेग और आईसी का बीच वाला लेग है, उनकी जो वायर्स हैं उनको हम स्क्रूज़ के साथ जोड़ देंगे। या फिर अगर आप स्क्रूज़ का यूज़ नहीं करना चाहते, आप सिंपली वायर्स को भी निकाल सकते हो, ठीक है, उन किसी भी होल में से, या फिर कैसे भी वायर्स को निकाल सकते हो इनपुट देने के लिए, ठीक है। इनपुट में आप 5 से लेकर 24 वोल्ट तक दे सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ कार्डबोर्ड के पीसीज का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके के, मतलब 6 पीसीज हैं, यानी कि आपको पता ही है किसी भी जो क्यूब होता है या फिर क्यूबॉइड होता है उसकी 6 साइड होती हैं, सॉरी 6 फेसेज होते हैं। तो 6 पीसीज कार्डबोर्ड में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके के मैंने कट कर लिए हुए हैं। एंड दोस्तों जो है, मतलब जो भी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, बेसिकली तो यार 2 ही कंपोनेंट्स का यूज़ किया है, एक है ये 7805 का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, और दूसरा कंपोनेंट है यूएसबी पोर्ट, ठीक है, ये 2 कंपोनेंट्स है। लेकिन यार अगर आपको और भी सारे डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने कंपोनेंट्स इसमें यूज़ किए, उन सभी कंपोनेंट्स की क्या प्राइस है, इस प्रोजेक्ट की कितनी टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। आपको स्क्रीन के ऊपर एक दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको स्क्रीन पर आपको दिख सकता है क्या क्या उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके की इसकी बॉक्स बना लिया, और आपको यहाँ पर हॉट ग्लू की मदद से मैंने जो था इसको सारे कंपोनेंट्स को सील कर दिया, यूएसबी पोर्ट लगा दिया, जैसे कि यहाँ पर जो सर्किट आपको मैंने डायग्राम बनाकर दिखाया वही सो सर्किट है, वो मैंने इसके अंदर पैक कर दिया, स्क्रूज़ को बाहर निकाल दिया और यूएसबी पोर्ट भी लगा दिया। अब इसके ऊपर कवर भी कर देते हैं हम, कुछ इस तरीके से जो कवर है ना इसको मैं लगा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने लगा दिया, और हमारा प्रोजेक्ट है आज का फाइनली कंप्लीट हो चुका है। आउटपुट आप इसको जो है 5 वोल्ट मिलेगा मैक्सिमम इनपुट करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 3 एम्पीयर तक ही देना है, ठीक है। आपको यार दो बातें याद रखनी है इनपुट में, इनपुट की बात कर रहा हूँ कि इनको देना कितना है। आप इसको जो है ना इनपुट वो 5 से लेकर, ठीक है, 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक डीसी दे सकते हो, डीसी एसी नहीं देना, डीसी 5 से लेकर 24 वोल्ट डीसी जो है आप इसको दे सकते हो, ठीक है। और करंट का भी ध्यान रखना है कि आपको 3 एम्पीयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, लेकिन 3 एम्पीयर से ज़्यादा आप इसे नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 3 एम्पीयर से ज़्यादा दोगे तो जो वाईसी है ना 7805 वो इतना ज़्यादा करंट
होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी कि इतना ज़्यादा करंट उसको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, आईसी जो है वो जल सकती है, यानी कि ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ यार इस बातों का ध्यान रखिए। आई होप दोस्तों कि आपको ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देने के बाद उस बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आपके लिए आगे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसी इंटरेस्टिंग आइडियाज़ वीडियोज़ में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।